क्या आप जानते हैं कि चावल का उबला हुआ पानी भी हमारे शरीर को उतना ही पोषण देता है जितना कि चावल देता है। तो आइए जानते हैं आज चावल के उबले हुए पानी की कहानी नायरा की जुबानी। पन डिहाइड्रेशन को रोके। गर्मियों के मौसम में कई बार हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की शिकार हो जाती है। अगर आप भी डिहाइड्रेशन को रोकना चाहते हैं तो चावल का उबला हुआ पानी आपके लिए एक उत्तम उपाय है। रोजाना एक गिलास चावल के उबले हुए पानी का सेवन करने से आप डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं। टिप नंबर 2, कब्ज की बीमारी को ठीक करता है चावल का माड़। अगर किसी व्यक्ति को बार बार आए दिन कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो उसे 1-2 दिन तक चावल के माड़ का सेवन करना चाहिए, उसे कब्ज की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। टिप नंबर 3, डायरिया को दूर करता है चावल का माड़। अगर किसी व्यक्ति को डायरिया है और उसे बार बार दस्त की प्रॉब्लम हो रही है तो आप चावल का पानी या फिर चावल का माड़ उसे पिला सकते हैं। ऐसा करने से उसके दस्त बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ उसे राहत भी मिलेगी। नंबर 4, ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है चावल का पानी। चावल के पानी का सेवन करने से हम अपनी बॉडी को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा दे सकते हैं। इसका सेवन करने से हम अपनी बॉडी को पूरा दिन चुस्त दुरुस्त दिखा सकते हैं। साथ ही साथ काम करने के बावजूद भी हमें थकान का एहसास नहीं होगा। टिप नंबर 5, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए भी चावल का माड़ बहुत अच्छा माना जाता है। चावल के पानी के अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा भी बहुत होती है जो कि हमारे शरीर को कैंसर से लड़ने की क्षमता देता है। सो फ्रेंड्स, ये थे चावल के माड़ या फिर चावल के पानी की कहानी। इनका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ।